नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका हमारे इन क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इस बार हमारे पास खुद की मैन्युफैक्चर्ड क्या रेंज है इन क्वेश्चन प्रोडक्ट्स की, जो क्लास डी एम्पलीफायर्स हैं होम यूज़ के लिए। तो मैंने एट ए ग्लांस रखे हैं जो प्रोडक्ट्स मेरे पास रेडिली अवेलेबल थे। कुछ और हैं प्रोडक्ट्स जो फ्रेंड्स अभी मैन्युफैक्चरिंग में हैं, बट अभी फाइनली मेरे पास रेडी नहीं थे, तो उनको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। बट एट ए ग्लांस मैं आपको जो प्रोडक्ट रेडी हैं और हमारे पास रेगुलरली सेल होते हैं उसका गो थ्रू दे देता हूँ। ऑल दो हम मैंने ऑलमोस्ट सबकी एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है प्ले करते हुए, तो आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें ये प्रोडक्ट की एक एक इंडिविजुअल वीडियो मिल जाएगी। बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको एक कंप्लीट जो हमारे पास रेंज है इन क्वेश्चन की मैन्युफैक्चरिंग की, वो मैं दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहले हम लोग शुरू करते हैं इस बोर्ड से। फ्रेंड ये बोर्ड जो है फ्रेंड्स, ये INK 202 इसका मॉडल नंबर है। ये एक 2.1 का बोर्ड है फ्रेंड्स, जो कि 50+50+100 वॉट पे बना हुआ है और एक एंट्री लेवल वेरिएंट है 2.1 का, जिसमें बेस का कंट्रोल दिया हुआ है और ट्रेबल का कंट्रोल दिया हुआ है यहाँ पे, और मास्टर वॉल्यूम है। यहाँ से आप ऑडियो इन कर सकते हैं, यहाँ से एक ऑक्सिलरी 5 वोल्ट की सप्लाई मिलती है अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो। और यहाँ पे ये पीछे कनेक्टर्स हैं, जितने भी वेरियस कनेक्टर्स हैं फ्रेंड्स, उस पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि कहाँ से पावर दे रही है। ग्राउंड पॉजिटिव यहाँ से देना है। मैक्सिमम 24 वोल्ट तक चलता है, पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 24 वोल्ट के लिए आपको 8 ओम के जो है सेटेलाइट स्पीकर कनेक्ट करने होंगे, और अगर 8 ओम से कम का 4 ओम का आपका सेटेलाइट स्पीकर है तो आप इसको 16-18 वोल्ट से ज्यादा या मैक्सिमम 19 वोल्ट से ज्यादा ना दीजिए। वो इस पे भी वही फंडा अप्लाई होता है फ्रेंड्स, इस पे भी वही फंडा अप्लाई होता है और इन दोनों पे भी होता है। तो आइए शुरू देखते हैं इसके बाद। तो यहां से आप फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बोर्ड है, और मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। आप चाहें तो डायरेक्ट वेबसाइट से बाई कर सकते हैं, आपको प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग वगैरह उसी लिंक में दिख जाएंगे जब आप क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए ये देखते हैं। ये इसी का बड़ा वेरिएंट है, हमारा सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। इसको कहते हैं INK 201 BT। ये अगेन 50+50+100 वॉट का एक 2.1 एम्पलीफायर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आगे कंट्रोल ज्यादा दिए हुए हैं। ये मास्टर वॉल्यूम है फ्रेंड्स, ये जो सेटेलाइट स्पीकर है उसका बेस है, ये सेटेलाइट स्पीकर का ट्रेबल है, ये सब वूफर की वॉल्यूम है और ये सब वूफर की फ्रीक्वेंसी है। तो ये इसमें नॉब्स दिए हुए हैं, साथ में एक ये स्विच दिया हुआ है, ये ब्लूटूथ और ऑक्स पे शिफ्ट करने के लिए स्विच लगा हुआ है फ्रेंड्स। पीछे अगेन आप देखेंगे तो वो सारी डिटेल्स जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्राउंड सब फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट कनेक्ट करने के लिए है, और इसमें अगेन हम लोग को वही ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या हमें देना है। 8 ओम से के अगर स्पीकर है तो आप 24 वोल्ट की सप्लाई पे आराम से लगा सकते हैं, और 4 ओम और बिलो है, मतलब 4 ओम से बिलो तो चलेगा ही नहीं फ्रेंड्स, अगर 4 ओम है तो वो 4 ओम के लिए आपको 18-19 वोल्ट से ज्यादा की सप्लाई नहीं देनी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आईसी बर्नआउट का रीजन एक वो है, दूसरा ये है लोग पैरेलल कई सारे स्पीकर लगा देते हैं, मतलब एक चैनल पे 2 स्पीकर लगा देते हैं तो वो आईसी बर्नआउट हो जाती है, तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखिएगा। तो ये 2 रेंज थी फ्रेंड्स हमारे पास, जो कि 2.1 की थी, एक विदाउट ब्लूटूथ है एक विद ब्लूटूथ है। आइए अब 2.0 पे देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमारे पास 2.0 पे कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे आइए देखिए, एकदम एंट्री लेवल बोर्ड ये है, 50+50 वॉट का है फ्रेंड्स। अगर आपको इसको 24 वोल्ट पे चलाना है तो आपको बेसिकली एक हीट सिंक अरेंज करना पड़ेगा। कई बार कस्टमर हमसे बोलते हैं कि आप हीट सिंक प्रोवाइड करिए, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी तक कोई ऐसा लिंक नहीं मिला है जहां पे मैं एक अच्छी क्वालिटी का छोटा हीट सिंक मिल जाए, तो हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं। बट अगर आप 18 वोल्ट 19 वोल्ट तक चलाते हैं तो हीट सिंक की जरूरत भी नहीं है, अगर उससे ज्यादा पे चलाते हैं तो आपको हीट सिंक देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं पीछे वही सारी डिटेल्स लिखी हुई है, लेफ्ट राइट ग्राउंड आपको कनेक्ट करना है और यहां से ऑडियो इनपुट देना है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत बेसिक सा बोर्ड है फ्रेंड, और बहुत यूज है, आप कहीं भी एम्बेड कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा इसमें से ऑडियो मिलता है। इसके बाद इसी का एक बड़ा वेरिएंट है फ्रेंड, जो कि ये बहुत बढ़िया बोर्ड है, ये है बेसिकली फ्रेंड्स विद ब्लूटूथ 50+50 वॉट का है। इसमें से आप यहां से ऑक्सिन दे सकते हैं, ब्लूटूथ दे सकते हैं, मोड इसको दबा के चेंज हो जाएगा, और ये वॉल्यूम तेज धीमा करने के लिए है। यहां से USB कनेक्ट कर सकते हैं, यहां से आप हेडफोन लगा सकते हैं, और ये देखिए बेसिकली स्पीकर आउट के हैं और ये पावर का है।
तो आपने देखा फ्रेंड्स, बहुत छोटा सा बढ़िया बोर्ड है, बहुत अच्छा चलने वाला बोर्ड है, बहुत पंची इसका बेस है। अगर आप लेंगे आपको पता लगेगा कि इसमें बेस ट्रेबल की कंट्रोल वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत सेल्फ सफिशिएंट बेस और ट्रेबल्स देता है। तो इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारे पास 2.0 है वो ये है। ये हीट सिंक के साथ आता है इवेंचुअली, अभी इसमें लगा हुआ नहीं है। तो ये जो बोर्ड है ये 2 IC का है, तो ये 100 वॉट ईच चैनल में देगा, विद हीट सिंक आएगा। और आपको यहाँ पे इसमें बेस स्टेबल कंट्रोल भी मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ब्लूटूथ नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको ब्लूटूथ अगर आप चाहते हैं तो आपको अलग से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, इसमें ग्राउंड और स्पीकर लगाने की जगह है, और इसका मॉडल नंबर 1002P है। एक बहुत स्टेबल बोर्ड है, बहुत अच्छा बजने वाला बोर्ड है, 24 वोल्ट से चल जाता है। ये बोर्ड फ्रेंड्स 24 वोल्ट पे 4 ओम भी कॉम्पेटेबल है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इस पे आप 4 ओम के भी स्पीकर आराम से 24 वोल्ट पे चला सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल IC से जो है एक स्पीकर बजता है, इसलिए ये जो है 4 ओम कॉम्पेटेबल हो जाता है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं ये जो बोर्ड है ये बहुत यूजफुल बोर्ड है। ये एक सबवूफर बोर्ड है। सबवूफर बोर्ड में क्या है फ्रेंड्स, इसमें लो पास फिल्टर है, मतलब सबवूफर की वॉल्यूम है और सबवूफर की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एक 2.0 है जिसमें आप एक सबवूफर ऐड करना चाहते हैं या कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो आपको ये सिर्फ ये बोर्ड अपने सबवूफर में लगाना है। यहाँ से आपको ऑडियो इनपुट देना है और आपको जो है यहाँ से ऑडियो का आउटपुट स्पीकर के लिए मिल जाएगा, और यहाँ से आप पावर अप दे कर सकते हैं इसको 18-19 वोल्ट तक फ्रेंड्स, अगेन बिना हीट सिंक के चला सकते हैं। उससे ज़्यादा पे चलाना है तो आपको इसमें एक हीट सिंक बीच में लगानी पड़ेगी। तो हमने होल्स दिए हुए हैं, आपको हीट सिंक अपने हिसाब से कहीं से अरेंज करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत यूजफुल, बहुत फास्ट मूविंग बोर्ड है। 14 वोल्ट 12 वोल्ट पे भी बहुत बढ़िया चलता है। कार्स वार्स में ये हमारा बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। तो आप अगर चाहें तो इसको ले सकते हैं, अगर आपको लगता है इसकी यूटिलिटी है, क्योंकि काफ़ी फास्ट मूविंग और बहुत ही वाइड इसकी एप्लीकेशन है। तो हमारे पास अवेलेबल है, रेडिली स्टॉक्ड है। नेक्स्ट बोर्ड जो है फ्रेंड्स, वो ये हमारा एक 5.1 का बोर्ड है, जिसमें 6 चैनल का इनपुट है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 6 चैनल हैं जिससे हम लोग इनपुट दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़। एक ग्राउंड है, सब का है, सेंटर है, साइड राइट, साइड लेफ्ट, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट। तो ये आप इसमें इनपुट दे सकते हैं। इसमें याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इसमें लो पास फिल्टर नहीं है, इसमें जैसी आवाज़ जाएगी वैसी ही निकलेगी। तो ये एक एम्पलीफायर बोर्ड है। आप यहाँ से इसको जो है 24 वोल्ट आउट दे सकते हैं, किसी चीज़ में लगाना है, यहाँ से आपको पावर देनी है। बड़ा बोर्ड है तो मतलब दोनों कनेक्टर से आप पॉजिटिव दे सकते हैं, दोनों कनेक्टर से एक साथ नेगेटिव दे सकते हैं। ये 20 एम्पेयर का इसमें हमने डायोड लगाया हुआ है, और दो दो हीट सिंक लगे हैं। इसमें टोटल 4 IC लगी है, तो 50 वॉट के 4 चैनल हैं इसमें, और सेंटर और सबवूफर जो है 100-100 चैनल का है। सबके कनेक्टर्स यहाँ पे निकले हुए हैं। और आपको फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसके साथ जो है हमारा एक प्री एम्प आता है जो बहुत ही रेडिली लग जाता है। मींस ये इतना पिन टू पिन कॉम्पेटेबल है कि आपको बस एक पैरेलल वायर्स लगाने हैं, या इस पिन को निकाल करके इसको इसके अंदर प्लग इन कर देना है। और ये प्री एम्प बेसिकली यहाँ से 24 जो वोल्ट आउट है आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं, और इसमें ऑडियो इन दे सकते हैं स्टीरियो का। तो ये एक वर्चुअल जो है आपका 5.1 का सराउंड साउंड सिस्टम ये क्रिएट कर देगा। तो ये प्री एम्प भी हमारे पास अवेलेबल है, ये 5.1 भी अवेलेबल है। तो ये ऑलमोस्ट एक होम थिएटर बनाने के लिए जितनी रेंज चाहिए होती है फ्रेंड्स, वो पूरी रेंज हमारे पास रेडिली स्टॉक्ड एंड अवेलेबल है हमारे स्टोर पे। इसके साथ साथ कुछ बोर्ड्स हमारे आने वाले हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक कैरियोके बोर्ड आने वाला है जिसमें 2 माइक का इनपुट रहेगा, और रिवर्ब, डिले और मास्टर वॉल्यूम विद ब्लूटूथ का वो एक प्रीएम्प है। ऐसे ही एक बेस ट्रेबल का प्रीएम्प हम लोग डिजाइन कर रहे हैं जिसमें ब्लूटूथ लगा होगा। तो बेस ट्रेबल रहेगा, 10x गेन रहेगा उसमें, प्लस ब्लूटूथ रहेगा। तो ये डिजाइनिंग हमारी चल रही है, हमारी कुछ हायर वोल्टेज के एम्पलीफायर पे भी डिजाइनिंग चल रही है। तो वो उन सब में पर फ्रेंड्स अभी समय लग सकता है, 15 दिन 1 महीना। तो उसके लिए मुझे लगता है कि वेट करना मुमकिन नहीं था, तो मैंने सोचा आपको एक बार एट ए ग्लांस मैं दिखा दूँ कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट इंक ओशन के रेडिली अवेलेबल है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेड बहुत से बोर्ड्स और अवेलेबल हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। बहुत सारी पावर सप्लाईज हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चाहिए होंगी फ्रेंड्स
ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। और कैसा लगा मेरे को बताइएगा ये वीडियो, आपको ये बोर्ड्स कैसे लगे, और मैं अगली बार कुछ अलग प्रोडक्ट्स लेकर के आऊँगा, कुछ और अपने जो हमारे पास प्रोडक्ट गैलरी है वो दिखाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।